जा सकते थे? दरवाजे पे नौकर है, पढ़े लिखे लोग ऐसे पेश आते हैं? ढंग से पेश आना तो गरीब और अनपढ़ लोगों का काम होता है। हम जैसे लोग स्कूल और कॉलेजेस में तो गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमीज नहीं सीख पाए। और वैसे भी पैदाइशी असर भी काफी होता है। मुझे मालूम है मैं अच्छी माँ नहीं साबित हुई। एनीवे ये टाइम नहीं है तमीज डिस्कस करने का। ये बताओ अपनी सौतेली माँ के साथ यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें ये पेपर्स और ये कागजात देने? नहीं देवयानी, प्लीज नहीं। क्यों नहीं? यही तो एक वजह जिसकी वजह से हम लोग जी रहे हैं, यही एक वजह जिसकी वजह से तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है और अपना भी वक्त बर्बाद कर रही है, साथ में मेरा भी, है ना? ये क्या कह रही हो देवयानी? शी इज राइट, ये ठीक ही तो कह रही है तारा सहगल। ये कागजात सीट चेन ऑफ होटल्स के जमीन के कागजात जरूर होंगे जिनकी वजह से तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। इसी की वजह से मैं अपने पति से अलग और देवयानी अपने माँ से अलग हो गई है। अनीता से डोंट शाउट तारा सहगल, डोंट शाउट, मेरी पैल्पिटेशंस बढ़ जाती है। मैं अकेली रहती हूँ, मुझे अकेलापन और उसकी आवाज की आदत हो गई है। ओह माय गॉड, बेटा देवयानी तुम बोलो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मेरे लफ्ज तो तुम लोगों की आवाजों की गूंज में दब जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये पेपर्स देना चाहती हूँ। नहीं देवयानी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती नहीं तारा, मैं ऐसा कर रही हूँ। मुझे इस जायदाद का एक हिस्सा भी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम लोगों को ये जायदाद पूरी पूरी चाहिए, जबकि इस जायदाद के हिस्से बढ़ सकते हैं। पूरी जायदाद को हथियाने के लिए तुम्हें आपस में बहुत लड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगी। बेटा देवयानी, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे ये हिस्सा विस्सा कुछ नहीं चाहिए। बेटा मेरा प्यार तो तड़प तड़प के मर चुका है, अब सिर्फ प्यार के दर्द का एहसास रह गया है, वो भी कुछ दिनों में मर जाएगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इन पेपर्स के, इन्हें रख लो। नहीं देवयानी, ऐसा मत करो बेटा, प्लीज ऐसा मत करो। मैं ऐसा ही कर रही हूँ तारा, कल मैं कोर्ट जाऊंगी और एक पावर ऑफ अटर्नी बनाऊंगी और अनीता सेठ के नाम भेज दूंगी। फिर उस सारे बैंक अकाउंट्स जो अब तक तुम्हारे कब्जे में थे वो सील हो जाएंगे। तुम्हें आपस में जितना लड़ना है जो करना है करो, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। बेटा लिसन टू मी, बिलीव मी, ओ देवयानी मेरी बच्ची सुनो मेरी बात, आई लव यू बेटा। सेठ, मैं तुझे इस जायदाद को छूने भी, मैं तेरे से ज्यादा तेज हूँ। तारा सहगल, तारा सेठ बनने का ख्वाब देख रही थी, चल निकल यहाँ से। जी अनीता सेठ, जी अनीता सेठ, आई लव दैट। तुम जैसे ऐसी होती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चल निकल यहाँ से और वापस कभी मत आना। मैं जीत गई हूँ। ओह माय गॉड, तारा सहगल, मैं जीत गई हूँ, मैं जीत गई हूँ। Thank you.
देवयानी की नफरत से और जीतना पड़ेगा उसका दिल, उसका प्यार। आजा आजा वाकये को या अपने प्यार को? मेरा प्यार तो हमेशा मेरे साथ है दिव्यानी। आपने हमेशा दीपक सेठ से प्यार किया है, लेकिन वो आपके साथ नहीं है। जिस दीपक से मैंने प्यार किया था वो मेरे दिल में, इस घर में और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा, मेरे बच्चे को तुमने अपनी दोस्त के पास सौंप दिया। सारी दुनिया जानती है ये बात, सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम। दीपक प्लीज। मैंने सोचा था कि तुम एक मजबूत औरत हो, हर मुसीबत के सामने डट के खड़ी रहोगी, लेकिन तुम तो डरपोक और तब्बू निकली। आप कहां चली मैडम? आज से 8 साल पहले पापा ने मुझे तुम्हारी वजह से मारा, और आज फिर तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे मारा। तब तो मैं बच्ची थी, तुमसे बदला नहीं ले सकती, लेकिन अब मैं तुमसे बदला लेने की ताकत रखती हूं। दिव्यानी, हमें आपस के डिफरेंसेस और गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस एक छत के नीचे रहकर हम दोस्तों की तरह भी तो रह सकते हैं। सांप और नेवले में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। सांप और नेवले में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। सांप और नेवले में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। पेपर तो सारे ठीक है। अरे तो इतनी देर क्यों लगाता बोलते हुए? खुशी महसूस कर रहा था यार। खुशी महसूस कर रहा था, वेरी फनी। यहाँ हम लोग बेवकूफों की तरह खड़े और तुम हो कि कम ऑन। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत सीरियस मामला है, डिस्कस करना पड़ेगा। बोल बोल। वैसा कि पेपर तो सब ठीक है। अब देवयानी चाहे हमें पावर ऑफ अटॉर्नी ना भी दे, फिर भी हम जब तक ये पेपर हमारे पास है तब तक उस पर राज कर सकते। So far, so good. अब हमें ये सोचना है कि इस प्रॉपर्टी पे हम बिजनेस क्या करें। तू बड़ी जल्दी में। क्यों ना हो भाई, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे है, तुम तो राज करोगी, हम क्या करेंगे, तुम्हारा मुंह देखेंगे? अरे जब तक उस पे कोई बिजनेस ना करे हमें क्या फायदा होगा? और वैसे भी जब से हमने उन दोनों में फूट डाली है उनका बिजनेस तो लॉस में चल रहा है, अब उसे ऊपर तो लाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरे लिए इतना काफी है कि मैं इतनी बड़ी होटल की मालकिन। लो सुनो, कनीज की आरज़ू बढ़ती जा रही हैं। ज्यादा टर्टर की ना तो ये सारे कागजात जाके दिव्यानी को वापस कर दूंगा। अपनी सगी बेटी को धोखा देगा? मैं अपनी बेटी की बेटी को धोखा दे सकता हूँ यार, तो तुझे नहीं दूंगा। होटल में कुछ ऐसा काम करना ही पड़ेगा जिससे हमें एक्स्ट्रा इनकम हो। यस, लाइक व्हाट? अरे जैसे कि कैसीनो, मेंस बार, मुजरा हॉल। ओहो, कैसीनो, मुजरा हॉल, इस सब के लिए पैसे कौन देगा, तेरा बाप? अरे पैसे की क्या प्रॉब्लम है यार, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हाथ लगी है, उसका एक चौथाई हिस्सा भी अगर लीज पे दे दें तो उससे जो पैसा आएगा उससे बिजनेस करेंगे। कान खोल के सुन लो, मेरी प्रॉपर्टी का एक कतरा भी मैं लीज होने नहीं दूंगी। अनीता, अनीता, काम डाउन। टू मच। अरे भाई आपस में झगड़ने से क्या फायदा है, इतनी बड़ी जायदाद हाथ लगी है, खुशी का मौका है। तुम्हें जायदाद लीज पे नहीं रखनी ना, मत रखो। मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाएगा, उसे हम थोड़ी पार्टनरशिप दे देंगे। कितना पैसा लगेगा मालूम है? अरे पैसे की चिंता मत करो, अंदर की खबर है उस आदमी के हाथ कुबेर का खजाना लगा है। चलो मेरे साथ। चलो लेट्स गो। कमाल है, कमाल कर दिया अशोक सहगल। तूने जिस तरह तारा को उखाड़ के फेंका ना, मैं तेरे से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। अरे बिंदा साहब, ये काम अनीता और शमशेर के बगैर बहुत मुश्किल था। ओ भाई, तुम तीनों की टीम भी कमाल है। तुम लोगों का ये कैसीनो का आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। हर रोज रात को कम से कम 10 लाख का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। पसंद आया ना आपको? मैं जानता था आपको जरूर पसंद आएगा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। देखिए इसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। पर इसमें 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। 3 करोड़? मैडम, बड़ा रुपया कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी बड़ी करनी पड़ती है। हाँ, मैं समझती हूँ।
अच्छा ये तो बताइए कि इसमें मेरा हिस्सा कितना होगा? 50% आपका और 50% हम तीनों का। 50%? अरे भाई पैसा भी तो इनका ही लग रहा है ना यार। तो फिर आपको हमारा प्रपोजल मंजूर है ना? बहुत पसंद आया, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? इस डील में अशोक सहगल पार्टनर नहीं होगा। एग्री। बुड्ढे ये मत भूल, मैं तुझे लेके आया यहाँ। जायदाद हमारी, पैसा बिंद्रा साहब का, तू कहेगा हम का। देख मैं तो तुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती, अगर बिंद्रा साहब मना ना भी करते तो मैं कर देती। नहीं नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा तो हो गया अशोक सहगल। बिंद्रा साहब मुझे लगता है मजाक कर रहे होंगे। देखिए मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, और फिर आप मेरे पास आए थे, आपने कहा था अगर हम साथ में बिजनेस करें तो बहुत फायदे में रहेंगे। मैंने कहा था क्योंकि उस वक्त तुम्हारा मेरे साथ होना अच्छा था। जैसे अब तुम्हारे इन दोनों पार्टनर को तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं ना, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? मैं बताता हूँ तूने मेरा क्या बिगाड़ा है। तू भूल गया अशोक सहगल, पर मैं नहीं भूला अभी तक। हाईवे के पास होटल बनाने की जमीन हासिल नहीं करने दी क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि वो जमीन मैं खरीद पाऊं, और आज से ठीक 5 साल पहले ही तुमने बोर्ड मीटिंग में ये दावा किया कि ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक ओनर्स को हाईवे के पास ट्रक पार्क करने की परमिशन तो दी जा सकती है पर 5-स्टार होटल बनाने की नहीं, क्योंकि आलू और प्याज की बोरियां ढोने वाले का 5-स्टार के होटल के कल्चर से क्या लेना देना। अच्छा तुम्हारी नाराजगी इसलिए क्योंकि तुम वो जमीन खरीद नहीं सके? राणा जिस दिन खरीदने पे आएगा सहगल, उस दिन जमीन के साथ साथ तैनू भी खरीद लेगा। तुम? इससे इतना बड़ा धोखा? शमशेर अनीता तुम इसे नहीं जानते, ये बिंद्रा नहीं राणा है, राणा धोखेबाज है, फरेबी है, जेल से भागा कह दिया ये। अच्छा ही तो है, कम से कम हम लोग एक जैसे तो है। बाकी राणा हो या बिंद्रा यार, हमें तो पैसे से मतलब है। ठीक है देख लूंगा तुम लोगों को, और ये मत भूलना हर कुत्ते के दिन आते हैं। हा? और मकरन? मकरन को पांव में गोली लगी है, पता नहीं कहां चला गया है वो, भाग गया है वो। मगर ये सब हुआ कैसे बता सकती मैं तुम्हें, कभी वक्त रहा तो जरूर बताऊंगी। फिलहाल मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। क्या बात है अर्जु, बताओ क्या बात है? राजीव देखो राजीव, हर रिश्ते में गिव एंड टेक होता है, लेकिन हमारा ऐसा रिश्ता है जिसमें मैंने तुमसे सिर्फ मांगा ही मांगा है, कभी कुछ दिया नहीं है तुम्हें, बल्कि मैंने तो तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है तुमसे, और तुम्हें बिल्कुल अकेला कर दिया है। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं राजी, और जाने से पहले एक और चीज मांगना चाहती हूं। आरजू मुझे मेरी नजरों में मुझे छोटा मत करो, ये तो तुम सोच रही हो कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं जानता हूं मेरी जिंदगी में तुमने क्या कुछ नहीं भरा है। और मत कहो कि तुम चली जाओगी, कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी, भले तुम्हारे पीछे आ रही मौत की आंधी में मैं भी आ जाऊं,
नहीं नहीं, देखो देखो राजीव, तुम्हारा बच्चा तुमसे छिन गया, लेकिन लेकिन मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी ना। आजू प्लीज सीधी बात करो। राजीव राजीव, मेरे बच्चे की जान को खतरा है, मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं और हो सकता है वो दरिंदे मेरे बच्चे को ना छोड़े, इसलिए इसलिए मैं पहले बाबा से मिलना चाहती हूँ, उसे उसे सारी असलियत बताना चाहती हूँ और उसकी देखभाल तुम्हें सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास ही वो महफूज रह सकता है। आरजू, तुम्हें मुझ पे यकीन है? हाँ, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चे के खो जाने का दर्द है। आरजू, मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि तुम्हें मेरे दर्द का एहसास है। राजीव राजीव, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बेटे की जगह मैं अपना बेटा तुम्हें सौंप दूँ। राजीव राजीव, प्लीज ना मत करना। आरजू, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? बाबा मेरा बेटा है, तुम मेरी अपनी हो। हालांकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर कहीं चली जाओ, मगर जानता हूं कि यहां रहोगी तो ठीक रहोगा। तो ठीक है, चलो हम अभी पंचगनी चलते हैं। मैं बाबा को सबको समझा देना चाहती हूँ, मुझे चैन नहीं पड़ेगा तब तक। ये आप मुझे कहाँ ले आए राजीव अंकल? पेशेंस रखो बेटा, वो देखो तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन इस तरह मिलने की क्या जरूरत थी? आप सीधे मेरे स्कूल क्यों नहीं आई? आपको पता है मेरी सोच सोच की क्या हालत हो रही है? बेटा, बेटा मेरे पास कोई और तरीका ही नहीं था। क्यों? अब तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, अब आपको इस तरह जीने की क्या जरूरत है? नहीं बेटे, प्रॉब्लम्स और बढ़ गई है, मुझे अब काफी दिनों तक छुप के जीना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी होती है बेटे जिनके सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता। ऐसा मुझे पहली बार कहा जा रहा है राजीव अंकल, इससे पहले मुझे मम्मी ने कभी ऐसा नहीं कहा। आज तक जो कुछ हुआ है मम्मी ने मुझे सब कुछ सच सच बताया। बेटे बेटे, इस बार खुद मुझे नहीं मालूम है कि मैं कहां जा रही हूं और कब लौट के आऊंगी। तुम्हें सच्चाई बताना तुम्हारे साथ इंसाफी होगी। वो कैसे? अगर अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम हमेशा सोचते रहोगे कि मुझे क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, इसलिए कोई उम्मीद न रखना। आपका मतलब है कि मुझे अकेला रहना पड़ेगा? हाँ बेटा, राजीव अंकल तुम्हारी देखभाल करेंगे, मेरे वापस आने तक वही तुम्हारे सब कुछ होंगे। लेकिन अब मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटे, मेरी जान को भी खतरा है, मेरे साथ साथ मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपकी वजह से मैंने कई बार अपने दिल पर पत्थर रखा, आप जब भी मुझसे दूर जाती थी ये कह के जाती थी कि आप वापस आएंगी। आप कैसे सोच सकती है कि मैं ये जानते हुए भी कि आप कभी वापस नहीं आएंगे जी सकूंगा? तुम्हें ऐसे ही जीना होगा, मेरे लिए जीना होगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, और वो मुझसे होगा नहीं बाबा। तुम वादा करो मुझसे, आज के बाद कभी नहीं रोओगे, तुम कभी नहीं रोओगे। नहीं रोऊंगा मम्मी, मैं कभी नहीं रोऊंगा। राजीव राजीव, इसका ख्याल रखना।
मुझे फोन कर दीजिए। मम्मी कहाँ गई? बेटा सबसे पहले तुम्हारी तारा मौसी को समझानी। तारा,